रजा दिन नमस्कार। पहाड़ों की हसीन वादियों से मैं पंकज गुंजाल स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का पहाड़ी मंच ब्रेकिंग है में। और साथियों आज पहुँचा हूँ मैं यहाँ पे रानीहाट गांव में, यहाँ पे किरनर में पड़ता है। और वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तो अपने दोस्त के साथ आया था मैं, वो थोड़ा नए स्कूटी लाया तो उसको थोड़ा स्कूटी मतलब बैलेंस बनाने थोड़ा सिखा रहा हूँ, तो स्कूटी चलाना वो सीख रहा है। तो वो वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पीछे वो चला रहे हैं, थोड़ा उसके पीछे बैठा था, थोड़ा हाथ थक गया तो मैंने बोला मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ तो खुद ही चला रहे हैं। रेलवे का जो वर्क है, कंस्ट्रक्शन का काम, रेलवे स्टेशन यहाँ बनने जा रहा है रानीहाट में, तो उसका भव्य काम यहाँ पर चल रहा है। मैं आप लोगों को एक बार यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ, ठीक है। ओरे 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 इतना माल सीधा एक साथ और यहाँ पे निकल रही डस्ट बार, वहाँ से देखिए ये देखिए तो साथियों इधर तो चल रहा है, आप लोग देखेंगे तो इधर तो चल रहा है पूरा रेलवे काम। उस कोने से मतलब बहुत आगे से वहाँ से कैमरा, अभी ये बीच में ये इमारतें खड़ी हो गई तो वहाँ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे से यहाँ तक तो चल रहा है पूरा रेलवे काम आप लोग देखेंगे। और ये यहाँ क्रेशर, तो क्रेशर है यहाँ, देखिए किस तरीके से मशीन काम कर रही है। ये देखिए ये पत्थर जा रहे हैं इस बड़ी मशीन पर, ये देखिए, और वहाँ से चल रही है बड़ी बड़ी मोटरें और यहाँ से निकल रहा है डस्ट बार, तो इस तरीके से बन रहा है डस्ट। तो ऐसे यहाँ रोड़ी बजरी जो जो है, तो ये सारा क्रेशर यहाँ पे स्टोन क्रेशर, तो यहाँ पे ये भी है। और यहाँ से सारे गांव प्यारे प्यारे दिखाई दे रहे हैं, चाहे सिंदर गढ़वाल हो, चाहे हमारा ये टीरी गढ़वाल के गांव हो, तो सारा सारा प्यारा प्यारा। और यहाँ पर ये नैथाना गांव, ऊपरी नैथाना से कहते हैं, ये बेल्ला नैथाना हो गया, आगे चौरास हो गया, और सामने ये आप लोग देखेंगे मोटर पुल और रेलवे पुल, दो पुल बन रहे हैं यहाँ पे एक साथ, जो इस हमारे टीरी गढ़वाल को जोड़ेगा पौड़ी गढ़वाल से। मतलब ये जो नैथाना क्षेत्र है वो सिन्नर से जुड़ने जा रहा है, तो ये प्यारा सा सिन्नर गढ़वाल यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे माँ अलकनंदा नदी निरंतर बहती हुई, और ये जो रेलवे काम आप लोग देख सकते हैं, और ये पूरा यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है ये रानीहाट गाँव है, और यहाँ भव्य जो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा काम ही काम आप लोगों को दिखाई देगा। ये बात मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए हमारा हरी भाई स्कूटी चला रहा है, अब बढ़िया चलाने लग गया, अब अप्लाई फॉर एंटोर के लिए इसने, तो एंटोर की चला रही है ये देखिए। और मैं आप लोग अभी शाम का ये समय है, अब सूरज भी अपने घर जाने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा एक काम दिखा दिया जाए आप लोगों को, किस तरीके से यहाँ पे जो ये भव्य काम चल रहा है और ख़त्म होने का नाम ही ले रहा है। मतलब इस कोने से स्टार्ट हो रखा हो और कहीं कोसों दूर तक लगातार बड़े बड़े जेसीबी से लेके बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े ट्रक, एलपी, पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। मतलब अभी बहुत अस्त व्यस्त यहाँ हो रखा है, जगह जगह धूल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, देखिए डस्ट धूल पत्थर बस पूरी यहाँ, देखिए कितनी धूल उड़ रही है। तो लोगों को घर भी जा रहा होगा ये धूल, तो काफ़ी परेशानियों का सामना भी फिलहाल करना पड़ रहा है, लेकिन जब बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा और ये पूरी शोभा बढ़ाएगा इस गांव की, जब यहाँ पे अच्छा बन जाएगा। तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये लगातार चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो बस साथ ही मतलब उधर वहाँ पे सुरंग भी बन रही है, बहुत ही मतलब काफ़ी लंबी बन गई हो, शायद से एक दो किलोमीटर तक खोदी जा चुकी हो, तो अगर उस तरफ भी गया तो वो भी दिखाऊँगा आप लोगों को भी सुरंग के अंदर जाके। और फिलहाल यहाँ आया था दोस्त के साथ, तो स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी सिखाने का काम कर रहे हैं, बहुतों को स्कूटी चलाना बाइक चलाना सिखा दिया है, तो अगर आप लोगों को भी सिखानी है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पर चार्ज लूँगा सिखाने का, फ्री में नहीं होने वाला काम तो खैर ये तो हंसी मजाक चलता रहेगा। तो फिलहाल साथियों इतना ही, मिलेंगे आप लोगों के साथ जल्द किसी और चीज़ के साथ, तब तक टाटा बाय बाय नमस्कार।